वैसे एक बात बताओ, आप उसके साथ अजीब सी ज़बान बोलता है, क्या ज़बान बोलता है? हम गिलगिती ज़बान में बात कर रहे थे। अल्लाह गिलगित, हमारा गिलगित का तो बहुत बड़ा कस्टमर है। यकीन मानो, लोग बोलते हैं कि गिलगित की लड़कियों को आजादी नहीं मिला। हमारे पास ना इतना लड़की आता है, टिकटोकर लड़की इतना है ना, टिकटोक क्यों कर दो, खत्म ही नहीं होता। उन ने हमको पैसा दिया हुआ है कि हमारा नाम नहीं बोलना, मगर हमको कपड़े सारे देना, सारी गिनतियों का कपड़ा हाथ देता है, जितना जितना छोटा कपड़ा पहनते ना हमारे से देते। भाजी तुम भी अजीब बात करती है, तुम क्या है यार? इन लोगों को समझाओ कि लोगों के कपड़ों पे मत जाए, ये लोग अपने आप को डबल स्टैंडर्ड बनाते, लोगों के कपड़े देखते हैं और ये सोचते हैं कि यार अच्छा कपड़ा पहनने से, अच्छा जूता पहनने से, बड़ा बड़ा एप्पल का घड़ी पहनने से कैरेक्टर बनता है। नहीं यार, कैरेक्टर तब बनता है जब आप अपने सकाफत पे रहो। कैरेक्टर और खानदानी तब लगता है जब उसका नजर है, छोटा कपड़ा पहन के, नंगा नंगा पेट दिखा के, शलवार कमीज को छोड़ के, अजीब अजीब सा चीज़ पहन के। ओ यारा, तुम लोग जितना भी ब्रांडेड कपड़ा पहनो, तुम लोग अंदर से वही चुकन के चुकन हो। समझ नहीं आता है, हम समझाने की कोशिश भी करते हैं मगर समझता नहीं है, बस इसी पढ़ाई का तो सोचते भी नहीं है लोग, इसी जंग में बस अपने माँ बाप का भी पैसा, वहां से आलू का पैसा आता है, वो भी सब का तबाह। एक मिनट, हमारा फोन आ रहा है, बड़ा मुश्किल से अल्लाह फोन आ गया यार। अवली जेब वो ऑफिसर हम स्टेबलर में हम, अरे वाह मलिक का मुखी है ना, वादुस जी वादुस, मगर मेरी इमारत मेरी इमारत, ये तो ना करो, मैं मोड़ कौन है?